नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सोमवार 1 जुलाई को दिए गए भाषण पर कैची चला दी गई है। उन्होंने संसद में तकरीबन 90 मिनट का भाषण दिया था और इस दौरान मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा था। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, GST, MSP, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने घेरा था। प्रधानमंत्री और स्पीकर से जुड़े मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा की थी। अब न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के इस भाषण का कुछ अंश यानी कि हिस्सा रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। जैसे कि इस हिस्से में हिंदू, PM नरेंद्र मोदी, BJP, RSS और कई अन्य मुद्दे पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणियों को उनके भाषण से हटाया गया। सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी थी। उनके भाषण के दौरान सदन में जमकर हो हल्ला हुआ था। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी के भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पर्यावरण मंत्री समेत BJP के कई सांसदों ने खड़े होकर आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने देश में हिंसक घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए BJP पर आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी हिंसा को बढ़ावा देती है। मैं अपने दर्शकों को ये वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने जब मुद्दे की बात की, जब हिंदुओं की बात की, तब किस तरह नरेंद्र मोदी पहली बार उठ खड़े हुए अपने सीट से। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, BJP पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस वीडियो में आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहा ये देश अहिंसा का देश है, सभी महापुरुषों ने अहिंसा की बात कही है, भगवान शिव भी अहिंसा की बात करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने सदन में भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई। राहुल गांधी भाषण के दौरान ऐसी घटना हुई जो पिछले 10 सालों में नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भाषण के दौरान खड़े होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। दरअसल अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं हिंसा की बात करते हैं। PM मोदी ने नेता प्रतिपक्ष की इस टिप्पणी पर एतराज जताया। उन्होंने कहा विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गलत विषय है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांग की कि राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा महंगाई की वजह से देश में महिलाएं परेशान हैं। उन्होंने महंगाई को लेकर एक कहानी सुनाई, कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्हें एक महिला मिली, उसने बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। राहुल गांधी ने कहा जब उन्होंने महिला से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि महंगाई की वजह से सुबह खाना नहीं बना पाई, इसलिए पति ने मारपीट की। राहुल गांधी ने जब उससे पूछा कि वो उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं तो महिला ने कहा बस इतना याद रखिए कि देश की हजारों महिलाओं को इसी तरह मारा पीटा जा रहा है। तो ये थी बात सदन में। कल जिस तरह से राहुल गांधी ने जवाब दिया है सत्ता पक्ष को और जिस तरह सत्ता पक्ष की बौखलाहट सामने आई है, वहीं आज नरेंद्र मोदी का भी भाषण है और वो जिस तरह से जवाब दे रहे हैं और विपक्ष लगातार कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा की जाए, महंगाई पर चर्चा की जाए, अग्निवीर पर, और सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि है महंगाई, क्योंकि देश आजकल महंगाई की वजह से परेशान है। लेकिन नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी दिखाई देती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्वाइन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सुष्मिता, नमस्कार।